नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब शिवराज सरकार के एक कैबिनेट मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बुधवार देर रात कैबिनेट मंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके परिवार के बाकी सदस्यों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मंत्री जी पिछले दिनों लगातार शिवराज मंत्रिमंडल सत्ता और भाजपा संगठन के नेताओं से संपर्क में रहे हैं। अहम बात यह है कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक जो बुधवार को हुई थी, उसमें भी मंत्री ने हिस्सा लिया था। यही नहीं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद लखनऊ स्थित उनके अंतिम दर्शन के कार्यक्रम में भी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। ऐसे में उन तमाम लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है जो कि लालजी टंडन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। फिलहाल कोरोना संक्रमित मंत्री जी के संपर्क में आने वाले अन्य सभी नेताओं और लोगों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है और सभी का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में 24 जुलाई की रात से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि शहर में 24 जुलाई रात 8 बजे से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिस तेजी से भोपाल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। बुधवार को भोपाल में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद शहर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,669 पहुंच गई, जबकि अभी तक 144 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,842 पहुंच गया है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,236 है। 16,836 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 770 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।